नमस्कार। तो आज इस वीडियो में अपन देखने वाले दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक रेड डॉट दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ से क्या होता है कि अपना मार्केट जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करता है, डाउन से अप जाता है, देन फर्स्ट हाई क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट हाई क्रिएट हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपका हाई हाई हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिएगा ताकि थोड़ा इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हाई जैसे ही आपका क्रिएट हुआ, देन मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा डाउन आता है। ठीक है, डाउन आने के बाद मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे एक लो बना देता है। ठीक है, इस लो को अपन फिर से कॉपी कर लेते हैं, अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ अभी मैं। तो जैसे आपका मार्केट यहाँ लो क्रिएट करके अप जाता है, तो मार्केट ने क्या किया कि पीछे वाले हाई को ब्रेक कर दिया। यानी कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका मार्केट डाउन से अप तरफ जा रहा है, यानी अप साइड में आपका मार्केट जा रहा है एंड मार्केट करेक्शन करने के लिए थोड़ा नीचे आता है, देन आपके लेफ्ट वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है मार्केट, तो उसे रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब ये किस केस में रियल होगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा आगे। ठीक है, इसे आप अभी के लिए समझिए, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ये। देन मार्केट क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ से फिर से अप गया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट अप गया, देन यहाँ से मार्केट क्या गया, फिर डाउन आ गया। तो ये मार्केट का क्या करेक्शन वाला फेज था, जिसको मार्केट लेने के लिए नीचे आया। अब देन मार्केट क्या करता है, फिर से मार्केट यहाँ पर अप साइड का एक मोमेंटम देता है। अब मार्केट ने क्या किया, फिर अपने लेफ्ट वाले हाई को ब्रेक कर दिया, यानी पीछे वाले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका लास्ट वाला जो हाई है इसे अपन कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। समझते जाइए मैं जो समझा रहा हूँ, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वो अपन अभी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका एक और हाई क्रिएट हो चुका है, इसको अपन लिख देते। देन मार्केट क्या किया, फिर से वापस अप जाता है यहां से। ठीक है, अप जाने के बाद मार्केट क्या करता है, डाउन आता है, देन फिर से मार्केट अप गया। अब मार्केट ने क्या किया, सेम सिनेरियो, पीछे वाले हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है यहां से। ठीक है, तो अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट वापस अप जाता है, यानी कि अप जाता है, फिर करेक्शन करने के लिए मार्केट क्या आता है, डाउन आता है। ठीक है, अब इस बार मार्केट ने क्या किया कि रीसेंट वाला जो लो है, यानी कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसके बाद वाला जो रीसेंट वाला लो है, दोबारा बोल रहा हूँ, रीसेंट वाला लो देखना है ना कि कोई और। ठीक है, रीसेंट वाला जो छोटा सा पुल बैक आपको दिखेगा या बड़ा भी हो सकता है ये, वहां पे जब मार्केट आपके रिसेंट वाले लो को अगर ब्रेक करता है या विक स्वीप करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इल्यूजमेंट। अब ये इल्यूजमेंट क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते, तो इस पे मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये अपना हाई कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये हाई अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपने नोटिस की, पीछे जब मार्केट आया था तो मार्केट इस लो को तो लिया ही नहीं फिर। ठीक है, मार्केट यहीं से अब चले गया ना, मार्केट इस लो को लिया, ठीक है, यहीं से अब चले गया। इस बार मार्केट ने इसको ले लिया, तो रीसेंट वाले हाई को मार्केट जब भी टैप करेगा तो उसको इल्यूजमेंट कहते हैं। और जब भी इस केस में आए तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, अगर आप ज्यादा भी नहीं देख पाए तो एक चीज ध्यान रखना कि कंफर्म कब होगा। ठीक है, यहां पर मार्केट अगर स्वीप भी करता है, ठीक है, स्वीप लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट, यहां पे अगर मार्केट इल्यूजमेंट टाइम पे स्वीप करता है रीसेंट वाले लो को, यानी कि कैंडल क्लोजिंग ना देके विग मार के भी अप जाता है, तो आपका क्या होता है कि ये हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अभी भी हाई कंफर्म हो रहे थे, लेकिन प्रॉपरली वर्क कौन सा करेगा आपका हाई, ये वाला आपका हाई वर्क करेगा। ठीक है, ये आपका सबसे बेटर हाई है। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूं कि
जो आपका हाई है यही वाला आपका मेन हाई है, पीछे वाले जितने भी मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताए वो काम नहीं करेंगे, वो आपके लिए एज ए ट्रैप का काम करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब माना जाएगा जब आपका मार्केट इल्यूजमेंट लेगा। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज आप नोटिस करना, जब भी इल्यूजमेंट होगा तो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मार्केट क्या किया, अप गया, देन थोड़ा सा मार्केट करेक्शन करने के लिए डाउन आया, डाउन जाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि रिसेंट वाले जो हाई है पीछे वाला उसको मार्केट ने ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया। अब नया हाई बनाने के बाद मान लीजिए ये छोटा सा यहाँ ऐसे पुल बैक आया, देन मार्केट अप गया, अब जाने के बाद मार्केट क्या डाउन आया। अब आपका जो ये है ये आपका इल्यूजमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये इल्यूजमेंट की तरह काम करेगा ये वाला पॉइंट, देन आपका ये रियल हाई कन्फर्म होगा और ये आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप सिनेरियो समझिए, भी चार्ट पे भी अपन देखेंगे जिसमें आपको सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये दोनों आपके फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट कई जगह आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखे हुए एंड देखने को भी मिलेंगे, क्या ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो आप मान सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग राइट तरीका यही है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ क्या करता है, जब भी आपके इल्यूजमेंट को टैप करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इल्यूजमेंट के पास में जो भी ऑर्डर फ्लो होगा वहां पे देखना, या तो आपका POI बचा होगा या आपका ऑर्डर ब्लॉक बचा होगा या कोई FVG वगैरह होगा, इम्बेलेंस जो भी आप कहना चाहें, कुछ ना कुछ एक पेंडिंग चीज होगी जिसको मार्केट क्या करेगा टैप करेगा एंड जस्ट एक विग मारेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, वो आपको यहाँ से क्या एक मोमेंटम एंट्री देगा। अगर आप SMC कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप की एंट्रीज आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका मार्केट क्या करता है, एंट्री साइड में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद आपके मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो इसको अपन बॉस। ठीक है, अगेन मार्केट ने क्या किया, ये कई बार अलग अलग तरह के सिनेरियो देखने को आपको मिलेंगे, मार्केट ने क्या किया, फिर से मार्केट डाउन आया और रीसेंट वाला क्या किया, आपके मार्केट ने लो ले लिया। जैसे ही मार्केट ने रीसेंट वाला लो लिया तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर से इल्यूजमेंट आपका कन्फर्म हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, हाई कन्फर्म होगा, ये आपका हाई कन्फर्म हो गया। ठीक है, ये हाई कन्फर्म हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। अब नीचे फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे तो कुछ है नहीं, हो सकता है यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या POI हो जिसको मार्केट लेके अपसाइड गया हो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक मोमेंटम दिया। ठीक है, अब समझना, अब आपको जो ये इतना बड़ा जो डाउनफॉल आपको दिख रहा है, क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक कैंडल या एक विक से बना होगा? नहीं, इसके अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे, जैसे मार्केट हल्का सा डाउन आया थोड़ा ऊपर, हल्का सा डाउन आया थोड़ा मार्केट ऊपर गया, हल्का सा मार्केट डाउन आएगा थोड़ा ऊपर जाएगा, ये कुछ करेक्शन फेजेस होते हैं जिनको मार्केट जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आके आपका ये इल्यूजमेंट यहाँ ले लिया, तो अब मार्केट क्या करेगा, जो रीसेंट वाला आपका हाई है, इधर पीछे देखना आपको लेफ्ट की तरफ, तो ये रीसेंट वाला जो है ये तो आपका इल्यूजमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक POI वगैरह बची हुई होगी। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर POI ऑर्डर ब्लॉक कुछ बचा होगा जिसको मार्केट लेके क्या करेगा, डाउन साइड में मोमेंटम देगा आपको। ठीक है, सेम सिनेरियो ये होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, जैसे ही यहाँ लिया तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट ये आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए एक ही तरीका है और एक ही केस है, क्या है कि आपका मार्केट इल्यूजमेंट ले, यानी कि अगर ये मार्केट यहाँ से इस पीछे वाले हाई को हल्का सा भी स्वीप कर देता इतना सा भी, तो अपन इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल वाला बोल देते। देन मार्केट अगर इस वाले को, इसकी देखिए जहां मैं लिख रहा हूँ, इस वाले को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में अपन इसको क्या बोलते, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये अपना हाई कन्फर्म हो जाता कि जब भी मार्केट इसको तोड़ेगा तो अपना स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसे कहते हैं चेंज, यानी कि चौस। ये क्या होता है, थोड़ा आगे देखेंगे अपन इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था आपका, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया।
अब मार्केट यहाँ से आता है, देन आपके इस मोमेंटम को लेता है, ठीक है। इस मोमेंटम को लेने के बाद आपको क्या करेगा मार्केट, ये आपका होगा इल्यूजमेंट। एक चीज ध्यान रखना, मार्केट आपका जब भी रिसेंट हाई या रिसेंट लो लेगा, डिपेंड ऑन कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है डाउन ट्रेंड में, तो वो आपका इल्यूजमेंट कंफर्म होगा। इल्यूजमेंट का मतलब है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करने की प्लानिंग कर रहा है, इतना समझिए, ठीक है। जब आप चार्ट पे चलेंगे तो थोड़ा और बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें कंसिडर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ पीछे वाला जो हाई था, इसमें कुछ ऑर्डर ब्लो, कुछ पीओआई वगैरह पेंडिंग होगी, तो मार्केट उसको लेने के लिए होगा, तो मार्केट टैप करके जस्ट डाउन चलेगा, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ठीक है। बट आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जिसमें मार्केट आपका एल्यूजमेंट लेगा, बाकी ये जितने भी ये दो हैं ये फेंके, ये इधर वाले भी एक आध फेंके, ठीक है। आपका रियल वही होगा जिसमें मार्केट एल्यूजमेंट लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं आप एक रफली स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। देखिए मार्केट अप जा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे बना दो, मार्केट अप गया, थोड़ा सा मार्केट डाउन आया। अब मान लो यहाँ तक डाउन आ गए, अब डाउन जाने के बाद अगर मार्केट इस वीक को, यानी कि रीसेंट वाला जो हाई, इसको ब्रेक करेगा, ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, मैं एक एक कैंडल से समझा देता हूँ आपको, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट क्या किया कि वापस थोड़ा डाउन आता है, ये मार्केट यहां तक डाउन आया, समझना, यहां तक मार्केट डाउन आया, फिर थोड़ा सा अप जाएगा यहां से, मार्केट यहां से क्या हुआ, थोड़ा सा डाउन गया, ठीक है, यहां से मार्केट थोड़ा सा डाउन गया, देन मार्केट अप गया, ठीक है, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस बार मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहां तक डाउन आया, तो अब जैसे ही डाउन आए, पीछे वाले लोग को, यानी कि अपर वाले, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले हाई को ब्रेक करता है तो बॉस कहा जाता है, नीचे वाले अगर लो को मार्केट ब्रेक करता है छोटे टाइम फ्रेम जोन में, ये छोटे टाइम जोन जो होता है जैसे 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, तो वहां पे क्या होता है, उसको कहते हैं इल्यूजमेंट, यानी कि मार्केट जब भी इल्यूजमेंट लेगा, अब आपका ये प्रॉपर हाई कंफर्म हो गया, अब पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाना शुरू होगा, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे इल्यूजमेंट लिया, तो मार्केट यहीं कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पीवाई इल्यूजमेंट लेगा, इस साइड भी क्या करेगा, जैसे ये कैसे होगा मैं बता देता हूँ, ऐसे समझिए, यहाँ पे आया, देन एक और हाई क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक और इल्यूजमेंट होगा, उसको लेके एक जोन होगा, फिर से मार्केट आपका नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा बैक आ जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि जैसे ही आपका मार्केट इसको लेने आएगा, ठीक है, यहाँ से डाउन है अप गया, तो आपका यहाँ पे आया, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एल्यूजमेंट होगा, हाई कन्फर्म। अब मार्केट यहाँ से क्या हुआ, कुछ इस तरीके से जाता है, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जो ये रिसेंट वाला हाई दिख रहा है, मैं इस कैंडल यहीं लिख देता हूँ, इसको समझ में आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका हो गया इल्यूजमेंट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इल्यूजमेंट होने के बाद मार्केट क्या किया, इधर वाले पार्ट को ब्रेक करता है, यानी कि हाई को ब्रेक करता है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, बॉस, यानी कि अपना रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ये बॉस। अब जब भी बॉस होगा तो एक चीज ध्यान रखना कि ये वी शेप में होगा, कैसे, वी शेप में, देखो ऐसे ऐसे, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, पीछे वाले हाई को ही तो ब्रेक करेगा ना, समझना मैं क्या समझा रहा हूं, पीछे वाले हाई को ब्रेक कर दिया, तो इनके बीच में जो वी बना, इसमें सबसे नीचे पॉइंट, चाहे ये थोड़ा सा इधर हो ऊपर हो बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे लो पॉइंट रहेगा, लो विग रहेगी, वो आपका क्या रहेगा, लो पॉइंट रहेगा इस स्ट्रक्चर का, यानी कि मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा तो अपन ये कंसीडर करेंगे कि यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में वापिस आते हैं,
यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, वापस थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए डाउन में है, हल्का सा यहाँ तक। अगर यहीं से मार्केट चले गया तो ये आपका एल्यूजमेंट नहीं होगा, देन अगर इस लो को ब्रेक कर दिया या विक स्वीप कर दिया तो ये आपका एल्यूजमेंट फिर से कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको यहाँ कुछ एंट्री वगैरह मॉड्यूल देखना, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो देन यहाँ से मार्केट आपका लगभग हाई बनाएगा, डबल हाई यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अब इसको ये ब्रेक नहीं करेगा, हो सकता है कभी करे कभी ना करे, डिपेंड ऑन आपको पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग पे। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक पीवाई बची होगी उसको लेके मार्केट पूरा बूम जाएगा, इतना लंबा आपको अच्छी खासी एंट्री देगा। ठीक है, तो अभी अपन चार्ट में समझते हैं, तो और भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चार्ट में चलते हैं। ठीक, यहीं से शुरुआत अपन कर देते हैं। देखिए क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, आप स्टार्टिंग में अगर बिगनर है तो इस तरह समझिए, ये यहाँ से लो था, हाई गया, देन ये मार्केट ने यहाँ पर अपना एक और हाई उन लो छोटा सा क्रिएट किया, देन मार्केट डाउन आया, देन ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये तो सारे इंटरनली, चलो ये मानते हैं डायरेक्ट यहाँ आया, देन यहाँ पे आगे का सिनेरियो भी अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, अब समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, अब इसको थोड़ा अपन बाहर निकाल लेते हैं। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन इसके बीच में कोई भी एक छोटा सा मोमेंटम नहीं है जिसको अपन, अगर ये मार्केट यहाँ तक आ जाता तो अपन समझ लेते थे कि अपना मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो अपर वाला पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट है, ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सिंगल कैंडल है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक एक ग्रीन कैंडल है, उसके बीच में एक रेड बनी, फिर रेड ग्रीन जो भी बनी, तो ये आपका एक सिंगल कैंडल है, यानी कि ऑर्डर फ्लो सिंगल है आपका। ठीक है, इसको आप समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप इसको अगर ऐसे लिखते हैं कि ये बॉस है, यानी कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं स्टार्टिंग में समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर मार्केट अप जाता है तो ये देखिए ये आपका हाई। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो भी एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो या आप ये कह सकते हैं जो करेक्शन बनेगा, उसमें जो ग्रीन वीक होगी यानी कि हरी वाली, यानी कि अप मोमेंटम की, वो आपका एज ए डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि इल्यूजमेंट की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके मार्केट ने इल्यूजमेंट ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा कट करके दिखा रहा हूँ, बहुत बेस्ट रहेगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आपके मार्केट ने क्या किया, आपका इल्यूजमेंट ले लिया। अब समझो रियल मार्केट, एक तरीके से अपन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रियल भी है, दोनों आप समझो इसमें। तो धीरे धीरे मार्केट लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पीओआई बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बचा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था जैसे ही आपका मार्केट इल्यूजमेंट ले लेता है तो जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आपका लो कन्फर्म हो चुका। ठीक है, तो मेरा ये लो है, मुझे आइडिया लग गया कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर एंट्री प्लान करूंगा। कैसे करूंगा बता देता हूँ मैं, क्या करूंगा, जब भी मार्केट इसको टैप करेगा तो मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे तक स्टॉप लॉस, एंड देन इसमें जो भी ये एक है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, तीन कैंडल के बीच का फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ज्यादातर टाइम फेयर वैल्यू गैप में ट्रैप करने आता है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप अच्छा खासा, बट अपन ये मानेंगे मेजर वाला, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर फ्लो भी हुआ है अपना। ठीक है, ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, आपके मार्केट ने विक स्वीप कर दी, अपन ने पीछे देखा था, अब देखते हैं मार्केट कहाँ टैप करता है अपना।
अभी तक मार्केट ने कहीं पे भी ट्रेप नहीं किया है, ठीक है। बट क्या हुआ मैं आपको बता दूं, अपना मार्केट डायरेक्टली आ क्या हुआ, ये जो इम्बेलेंस बचा हुआ इसको हिट कर दिया, ठीक है। ये एंट्री मॉड्यूल अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो आप इस पे भी एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से आप कितना पिप्स होगा, 17 पिप्स का आप मार्केट से कलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट ये कैसे करेंगे मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, तो देखते हैं एक बार क्या मार्केट इस जोन में आता है या नहीं आता। नहीं आता तो अपन दूसरा एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको मैं इंस्टेंट यहीं पे बता देता हूँ। देखिए जैसे मार्केट इल्यूजमेंट लिया तो अपसाइड गया, तो ये एक लो बन गया, इस लो से मार्केट नीचे नहीं आया। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट अपसाइड गया, इस लो से नीचे आ जाता तो अपन मान लेते कि अपना क्या है कि इल्यूजमेंट यहाँ पे, अभी करंट प्लान करंट टाइम पे अपन यहाँ पे इल्यूजमेंट मानते कि अपना इल्यूजमेंट यहाँ पे। जब भी मार्केट इसको टैप करेगा अपन कह देंगे कि मार्केट ने इल्यूजमेंट ले लिया, और यहाँ पे देखिए छोटा सा गैप अप बचा हुआ, इसको भी मार्केट ले सकता है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक और अपन ने पीवाई मार्क किया है यहाँ पे, पीवाई नहीं है सॉरी इम्बेलेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, अगर आप नहीं जानते ये चीजें क्या होती है तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, जैसे ये विक स्वीप की यहाँ पे ये हाई हो गया अपना, तो इसको आप क्या कहेंगे बॉस। बॉस होने के लिए कंडीशन बता देता हूँ कि जब भी बॉस वाली चीज होगी तो वहां पर कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, विक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंडल का क्लोज होना नेसेसरी है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आपका मार्केट क्या करेगा, यहां तक आएगा इम्बेलेंस तक, इम्बेलेंस मार्केट फिल किया देन डाउन। ये देखिए प्रॉपर इम्बेलेंस के अंदर मार्केट आया और आपका मार्केट डाउन, इतना अच्छा एसएमसी है। अब आपको ये चीज मालूम होती तो आप आराम से अच्छा खासा एक मोमेंटम ले सकते थे। देन उसके बाद क्या हुआ कि आपका लो पॉइंट मार्केट लेगा, देन आपके देखना यहीं पे मैं मान रहा हूँ अभी, हालांकि बीच में भी, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मार्केट क्या हुआ इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसको टैप करके अब जाएगा नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट का अभी तक लो है ही है, अगर इसको ब्रेक करता है तो अपन डाउन साइड में समझेंगे, तो देखते हैं अब यहां से क्या सिनेरियो बनता है मार्केट का। ठीक है, मार्केट ने अभी भी इसको नहीं लिया, क्या लिया सिर्फ ये अपर वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया मार्केट ने, ठीक है, ये वाला लिया। एंड देन लो कह रहा कि यहाँ पे देखिए ये बायर्स और सेलर्स के बीच की कैंडल है, तो मार्केट ने क्या किया कि यहीं पे आपका जो है सारा गेम कर दिया मार्केट ने, इस वाले जो लो है आपके ये कैंडल्स का लो यहाँ पे जस्ट विक स्वीप किया, मार्केट चले गया। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी तीन कैंडल्स जो बनती है, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड ग्रीन और ये छोटी सी कैंडल, तो यहां से क्या देखिए लास्ट वाली कैंडल का और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या किया कि मार्केट ने हल्का सा यहाँ टैप किया विक स्वीप की, एंड देन मार्केट आपका क्या होगा अप चले गया, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी कि FVG। FVG को जैसे मार्केट ने टैप किया हल्का सा, मार्केट ने पूरा मोमेंटम अपसाइड में दे दिया है, तो मैंने आपको बताया था। तो ये अच्छी खासी एक एंट्री थी, इसको आप यहाँ पे भी ट्रिगर करते, यहाँ पे भी ट्रिगर करते तो आप ले सकते थे। अब देखिए अब मार्केट ने क्या किया, ये सारे लो ब्रेक कर दिए ये वाला, तो ये क्या हो गया अपना रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपना रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बॉस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि कहीं आपको लो पॉइंट दिख रहा है, नहीं अभी तक कहीं नहीं दिख रहा, तो आपका इल्यूजमेंट ये होगा इतना बड़ा बिल्कुल, अगर आपका मार्केट यहां नीचे आएगा तो अपन एंट्री प्लान अपन कर सकते हैं। तो अब देखो इसने सिर्फ इल्यूजमेंट लिया है, ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, तो ये मार्केट अगेन इसको टैप कर सकता है। बट यहां पे आप देखिए आपका ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है, ठीक है, विथ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया मैंने हल्का सा, ठीक है, ये आपका बचा हुआ इतना। अब आपका लो पॉइंट ये वाला काम करेगा,
ठीक है, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मैंने बताया था वी शेप, तो इसके और यहाँ से ये पूरा वी बन गया, मार्केट ने ब्रेक किया, ये आपका लो पॉइंट हो गया। अब ये लो इधर भी होता तो इसको मानते अपन फिर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल्स बनाई। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी तो ये अपना इल्यूजमेंट हो गया, क्या है, सही है? इसको अपन चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने का तरीका, अगर मार्केट अप जा रहा है तो करेक्शन करने के लिए मार्केट कितना डाउन हो रहा है, इसका रेशियो यहां से पता चलेगा। देखो इतना सा मार्केट ने करेक्शन किया हल्का सा पीछे वाले केस में, यहाँ पे इतना हुआ। अगर मार्केट इसको जब करेगा टैप, तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ देखो छोटा सा करेक्शन हुआ था बीच में, यहाँ से हम एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं अप साइड के ऊपर, यहाँ इम्बेलेंस सब कुछ बचा हुआ है, ठीक है। या सेकंड केस यहाँ पे भी है, ठीक है, डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ से जाएगा, हमें भी नहीं पता, कंफर्म करना पड़ेगा जो सिनेरियो बनेगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, मार्केट ने क्या किया, इल्यूजमेंट लिया जस्ट अप साइड। कई बार मार्केट आपका क्या करेगा, इल्यूजमेंट लेके भी अप जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, ये हो गया आपका रियल बॉस, ठीक है, बॉस हो गया। तो अब आपका लो ये हो गया, ठीक है। जब भी मार्केट बॉस होने के बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपका लो हो जाएगा। अगर इस मार्केट को क्या होता है कि ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहां से अपन सेल साइड एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। अभी तक कुछ भी मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने, साइडवेज चल रहा है अभी। ओके, मार्केट ने यहाँ क्या किया, सिर्फ विक्स स्वीप की। अब देखिए हाँ, ये एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, क्योंकि जितनी चीजें आप पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे उस हिसाब से मुझे चीजें याद आएगी। मैं डायरेक्टली सारी चीज आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या चीज आपको मालूम है या नहीं। तो क्या होगा, जब भी मार्केट ये विक्स से विक्स स्वीप करता है, अब आपका क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पे विक्स स्वीप हुआ है, आप इसको बॉस नहीं बोल सकते। मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रेप की है, मतलब लिक्विडिटी यहाँ से ले ली है, मार्केट ने एसएल उड़ा दिया, ऐसे समझिए जो यहाँ पर एसएल लेके बैठे थे ऐसे टॉप पे। अब मार्केट अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, ये अपने को नहीं पता, ठीक है, ये आपको समझना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब आपका क्या होगा, जो भी हाई बनेगा वो इस वाले हाई से, यानी कि इस लिक्विडिटी के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होगी उसको अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। लेकिन वो लिखा इसी कैंडल के ऊपर से जाएगा, कौन सी कैंडल, ये वाले, क्योंकि यहां पे भी स्वीप हो गया। चलो ऐसे समझो, ऐसे समझाता हूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको समझा देता हूँ कि ये जो वाला लो है, इस लो ने क्या किया, इस पीछे वाले लो को तोड़ा, देन इस लो ने क्या किया, इस वाले लो को तोड़ा। तो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां से होगा आपका रियल, बट माना ये जाएगा, लिखोगे आप इसको, ठीक है। ये समझना थोड़ा सा, बहुत डीपली चीजें हैं, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, कुछ जगह ही कुछ ही लोग सिखाते हैं, तो आपको सीखने को मिल रहा है, तो सीखिए आप चीजों को, ठीक है। आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मैंने आपको काफी सारी चीजें इसमें सिखाई। अभी एसएमसी के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आपको और देखने को मिलेंगे, वो अच्छे से आपको और समझ में आएंगे, ठीक है। मार्केट अप जा रहा है, अब समझिए अप गया। अब देखिए अगर इस लो से नीचे मार्केट आता है तो ये अपना क्या होगा, एज ए इल्यूजमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे इम्बेलेंस बचा हुआ है, इम्बेलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों को देखना है, ऑर्डर फ्लो को देखना है, चार पांच चीजें होती है, दिन को देख के आप एक अच्छी खासी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है कि सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो आपको मेजरली जब भी एंट्री प्लान करनी हो तो कुछ चीजें हैं, जैसे क्या मैं बता देता हूं। मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं, ठीक है,
बड़ा कर देता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हैं, गुड, आप सारा मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई सब कुछ 15 मिनट पे देख रहे हैं। जब आपका मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पीओआई यानी कि जोन के अंदर आता है तो वहां पर आपको 1 मिनट में स्विच होना है, ठीक है। 1 मिनट में स्विच होने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पर सबसे पहले चोस देखना है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, प्लस आपको बॉस देखना है, प्लस आपको आईडीएम देखना है, प्लस आपको हाई देखना है, ठीक है। हाई एंड लो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। ये देखने के बाद आपको देखना है मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये देखने के बाद आपको एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें देख के एंट्री प्लान करोगे तो आपकी एंट्री परफेक्ट जाएगी, आपका स्टॉप लॉस काफी कम रहेगा। जस्ट लाइक कैसे, इस केस में मैंने आपको बताया, अगर मान लो मैं यहां से एक एंट्री प्लान कर रहा हूँ यहां से, और मैं उसका एसएल रख रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं 0.01 का भी लोट लगाता हूँ तो मेरा यहाँ पे $1 जाएगा लगभग, लेकिन मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 1.70 यानी $1.70 के लगभग प्रॉफिट हो जाएगा मुझे अच्छा खासा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉफिट भी अच्छा है, लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हो, आप इसको ट्रेल करते हुए चलते हो, ये प्रॉफिट यहां तक आपने कर दिया, स्टॉप लॉस यहां आ जाएगा, फिर ये प्रॉफिट यहां तक आ गया तो स्टॉप लॉस यहां तक आ जाएगा, ये ट्रेल करना होता है इसका मतलब। तो आपको क्या होगा, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इस तरह आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो। अब आप लास्ट वाले लो को आप लेके चलो कि मार्केट यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, हाई बनाया नया तो आप इस लो तक लगा दो कि जब भी मार्केट इल्यूजमेंट देगा वहां ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाए। तो यहां तक अगर आप अच्छी खासी एंट्री देखोगे तो आपने बहुत अच्छा सा पैसा कमाया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ एंट्रीज प्लान करनी है जो कि आपके लिए काफी परफेक्ट होगी, और उन एंट्रीज में आपको काम भी करना है, ठीक है, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स वगैरह इंप्रूव हो सके। तो यहीं से मैंने आज की करंट की मैं बता देता हूँ आज, ठीक है, मैं बता देता हूँ मेरा खुद का, आज मैंने एंट्री प्लान की थी अप्रोक्सीमेटली यहां से मेरी सारी एंट्री ट्रिगर थी यहां तक, टॉप लेवल तक थी बिल्कुल, ठीक है। और यहां पे मैंने क्लोज की सारी एंट्री, लगभग मैंने $30 का प्रॉफिट निकाला इसमें से, ठीक है। 20 से 22 पे मार्केट ने दिया, $30 का अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला, देन मैं मार्केट से लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये काफी अच्छी एंट्री थी। देन उसके बाद मेरी एक एंट्री और थी कल परसों, ये वाली, हाँ यही थी, मैं चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे से, इनका बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक। यहां से मैंने एंट्री प्लान की थी, मेरी जो एंट्री रही थी यहां तक रही थी, अप्रोक्सीमेटली यहां तक एंट्री प्लान की थी मैंने, यहां तक टॉप लेवल तक, ठीक है। यहां से मैंने अप्रोक्सीमेटली $48 का प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ले रखी है ऑलरेडी। यहां से फिर मैंने एक छोटी सी एंट्री ली थी जिसमें $5 से $6 मेरा एंट्री बना था, ठीक है। तो काफी अच्छी सी एंट्री है, अभी करंटली मार्केट का सिनेरियो डाउन है, अब ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, वो अपने को पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मार्केट का सिनेरियो देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्केट यहां तक गिरेगा, ठीक है। यहां तक कैसे गिरेगा मैं बता रहा हूं, मार्केट ने क्या किया, ये एक वीक है, हो सकता है इस वीक को हल्का सा स्वीप करे, मार्केट क्लोज ना दे, यहां तक क्लोज देके अब जा सकता है। बट पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई बचा हुआ है, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में चला आएगा। ये हो गया, ये आपका एक ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो के बीच में मार्केट कहीं से भी टैप करके जा सकता है, वो एंट्रीज आपको प्लान करनी है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्केट अपसाइड जाएगा, क्योंकि यूरो यूएसडी भी पूरा अप जा रखा है, ठीक है, काफी टाइम से। तो यहां से एक अच्छी खासी आप एंट्री प्लान भी करते हैं, मान लीजिए आप 0.01 का एक छोटा सा लोट लेके भी आप प्लान करते हैं तो भी आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे $5 से $6 एंट्री प्लान कर लेंगे, जो कि काफी अच्छा रेशो मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके का आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे कैसे एंट्री ली जाती है, ठीक है। आपको जितने भी एसएमसी के वीडियो और कॉन्सेप्ट समझाए गए सभी को आपको प्रॉपरली देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं या हमसे डायरेक्ट कॉल पे भी डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। हर चीज़ आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में बिना पैसा लगाए जाओगे मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप लॉस करोगे, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ
मुझे वो पैसा कहाँ से आ रहा है, समझिए आप लॉस कर रहे हैं, इसलिए मैं लॉस करता हूँ तो उसका प्रॉफिट किसी और को जाता है, सेम सिनेरियो आपके साथ है। तो लॉस मत कीजिए, पहले आप चीजों को सीखिए, ठीक है, बिना सीखे कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं हकीकत कह रहा हूँ। अगर आप सीख गए तो जितना आप अभी जितना जल्दी छापना चाहते हैं वो आप 2 महीने में छाप लेंगे, ठीक है, बट समझने के लिए फोकस करिए। मिलते हैं आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच एवरीवन।